Hello students, I know you are doing fantastic at your places and a big opportunity is knocking your doors. And as they say, when opportunity knocks the door, remember to open the door. और अभी एक बहुत बड़ी न्यूज और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है. जो न्यूज कल आई बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में वो थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 54 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम भी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, यस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वन पार्ट ऑफ इट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और बहुत पॉपुलर नाम जो कि इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन दिस वीडियो. नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट विल हेल्प यू टू गिव एडमिशंस इनटू 54 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. इन 54 में से कुछ बहुत जाने माने नाम हैं और उसके लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल. और यूजुअली इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आज तक कैसे मिलता आ रहा था, बेस्ड ऑन योर 12th परसेंटेज. अब ये जो 12th परसेंटेज का मामला था अब वो खत्म होने वाला है. तो बहुत अच्छी न्यूज ये है कि क्योंकि वो 12th का परसेंटेज वाला मामला खत्म होने वाला है, एक कॉमन एप्टीट्यूड हर साल रहेगा. अब इसको गवर्नमेंट ने हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा है. उसके पीछे रीजन ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है. एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, ताकि स्टूडेंट्स इस एप्टीट्यूड टेस्ट को निकाल कर एक उनकी रैंकिंग प्रॉपरली जनरेट की जा सके. 7 मेंबर कमिटी मॉडलिटीज को बताने के लिए ऑलरेडी बन चुकी है. इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के मेंबर्स हैं जो कि एक महीने बाद तक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे कि ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा और क्या होगा. फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी. इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवरी ईयर. और अभी तक की प्लानिंग ये है कि हर साल 2 बार ये टेस्ट होगा, और सेशन 2021-22 में सबसे पहली बार ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और शायद उस सेशन में एक बार ये टेस्ट हो पाएगा. अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, एक बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट होने वाला है इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का. अभी तक जो कट ऑफ जाते थे खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन थी वहां पर. कुछ कॉलेजेस तो 99% पे जाते थे, कुछ 100% पे जाते थे, कुछ 97% पे जाते थे. अब वो बच्चा जिसके 60% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं लेकिन इस एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा कर रहा है, उसे भी उसके चॉइस का कॉलेज मिल सकता है. बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार ये तो गलत हो रहा है. नहीं, ये बिल्कुल सही हो रहा है. उसके पीछे रीजन समझिएगा. आज के टाइम क्या हो रहा था, एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है जिसने 11th-12th में साइंस ली हुई है और वो बाद में जाके आर्ट्स पढ़ना चाह रहा है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन सा लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाह रहा है, लेकिन उसके परसेंटेज 99 आए हुए हैं. और वो बच्चा जिसने अपने 11th-12th में आर्ट्स ली हुई है उसके परसेंट सिर्फ 91 आए, तो वो जो 91 वाला स्टूडेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था अगर कट ऑफ 95+ है तो. लेकिन जो ये साइंस वाला बच्चा था वो सिलेक्ट हो जा रहा था. तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि अब ये बायसनेस खत्म हो जाएगी. जो भी स्टूडेंट है सारे के सारे सबको एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा और वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं. और जितनी नीटिग्रिटीज थी, मतलब जितने डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स थे उनके बीच में जितनी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो जाएगी. तो 11th 12th की स्ट्रीम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. आपके 12th के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 60% जिस बच्चे ने स्कोर किया है वही उस कॉलेज में आ सकता है. बाकी ये चीज नहीं लग सकती अब कि 98% या 99% वाला बच्चा ही इस पर्टिकुलर कॉलेज में जा सकता है. जो आज तक की परेशानी स्टूडेंट्स की थी वो खत्म हुई कम्प्लीटली. सुपरग्रेड्स की एक हमेशा चीज रही है कि वो अपनी जितनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रखता है वो तो ऑथेंटिक रखता है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज के फॉर्म में कल एक चीज आई है तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज पेपर्स को देखा और अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा. और इसमें हमारा सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया, यस कल का, मतलब 27/12/2020 का, जिसने कंपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट्स इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की कुछ इस तरीके से दिए हैं. अभी उन्होंने सब्जेक्ट बताया है, डिमार्केशन वगैरह एक महीने बाद जो कमिटी बैठी है वो बताएगी. तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और 4th जो सब्जेक्ट बच्चा चूज करना चाहता है, जो स्टूडेंट चूज करना चाहता है अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए. तो बहुत सिंपल सी चीज है, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको
तीन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे, अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, और साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग में. हो सकता है शायद जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड किए जाए इन द फ्यूचर, बट एज पर द करंट न्यूज एंड एज पर द थिंग्स व्हिच वी हैव सर्च्ड ऑन इंटरनेट, वी कुड नॉट फाइंड इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है तो साइंस रिलेटेड टेस्ट होगा, अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो स्ट्रीम रिलेटेड एक पर्टिकुलर टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सुपरग्रैड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे यूजफुल होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज जानते हैं जो भी सुपरग्रैड्स के डिफरेंट बैचेस पे पढ़ रहे हैं, बैच वन, बैच टू, बैच थ्री, यू बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, 11, 12, यू माइट हैव टेकन द ड्रॉप ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू हैव ज्वाइंट सुपरग्रैड्स ऑनलाइन सेशंस. अब वो स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम एक सिंगल मोड से आपको 12 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल पे आपको आईपीएम, आईपीएम रोहतक, डीयू जेट, एनपैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट एंड मोर एग्जाम्स मेंशन ऑन द स्क्रीन, उसकी एक साथ प्रिपरेशन होती है. अब इस पूरे मॉड्यूल में एक चीज तो अच्छी थी कि आप बड़े बड़े कॉलेजेस की प्रिपरेशन, जिनके एंट्रेंस टेस्ट अलग से होते थे, उनकी आप कर लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस है वो इसमें छूट जाते थे. क्यों? क्योंकि 12th में वो बहुत हाई स्कोरिंग परसेंटेजेस आपसे मांगता था, तो स्टूडेंट्स के ऊपर ये दबाव होता था कि वो 98 स्कोर करें, 99 स्कोर करें और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करें, साथ साथ एप्टीट्यूड की भी अच्छी प्रिपरेशन करें. अब आपको क्या करना, आपकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन ऑलरेडी सुपरग्रैड्स आपको करवा रहा है और सुपरग्रैड्स आप पे बहुत ज्यादा हमेशा से मेहनत करता है, तो आपको वही एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है. और बस अब आपको 90% मार्क्स भी आ गए, 85% मार्क्स भी आ गए, दैट इज ओके. नाउ यू कैन गेट अ ड्रीम कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल. अगर आप क्राइस्ट में जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप IIM इंदौर में जाना चाहते हैं आप वो चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एप्टीट्यूड के कंसेप्ट और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की पूरी जिम्मेवारी किसने ली हुई है, सुपरग्रैड्स ने. और इन 54 यूनिवर्सिटीज में जितने बाकी कॉलेजेस हैं जो कि हाई रैंकिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो. सो जो एप्टीट्यूड अभी तक आप पढ़ रहे थे वह सुपरग्रैड्स, नाउ ये सिर्फ 12 एग्जाम्स तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे के पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इससे आप टारगेट कर सकते हो. सो व्हाई दिस वीडियो, वी वांटेड टू कन्वे दिस थिंग ओनली कि जब भी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट होता है उसके आप फॉर्म जरूर भरिएगा और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा. अगर आप नेक्स्ट ईयर भी सुपरग्रैड से ज्वाइन हो रहे हैं तो भी आने वाले टाइम में वील कंटिन्यू प्रिपेयर यू फॉर दीज 12 एग्जाम्स एज वेल एज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट that will cover 54 different universities. Best of luck for your future and thanks a lot.